रामदेव जी महाराज री सासू एक मरी हुई बिल्ली ने थाली में राख और रामदेव जी महाराज की परीक्षा करने वास्ते डेरा में भेजी। रामदेव जी महाराज बिल्ली रे ऊपर हाथ घुमायो, बिल्ली वापस जीवती खड़ी हो गई। सासू ने भरोसा हो गया कि मारो जो पावनो है वो अवतारी। अब ब्राह्मण देवता चमरी में हथले वो जोड़ा और चमरी में बिठावे। सब लोगों ने टेंशन थी कि जब फेरा वेला तो भीनड़ी ने उठनो पड़ेला और नेतल तो जन्म सु पांगड़ी है और यदि आप चमरी में उठ नहीं पाई चल नहीं पाई और बारा दीदी वापस लौट गई तो फिर क्या वेला। लेकिन रामदेव जी महाराज रे ऊपर जब सासू बिल्ली ने जीवती कराई तो सासू ने भरोसा तो इन बात रो कि मारी बेटी रो जो भरे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, जो सामान्य आदमी नहीं, ये तो अवतारी है। अरे थे दो तोरणिये आए ने उबावो रे जा एक बार खड़े हो जाओ महावीर जी थोड़ा सा आप आ जाओ। ये तो तोरणिये ये तो तोरणिये आए ने उबावो रे जा ये तो तोरणिये आए ने उबावो रे जा चंपेली बैरा पींदिरा जा बन जा ये तो तोरणिये अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा रे जाके तो तोरणी बलियुबा अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा ओ केसरिया चढ़ोनी वो नवल बसे अरे रे जाते तो तोरणी बलियुबा हो केसरिया चढ़ोनी वो नवल बसे रे जा थोरे माता रो दुमालो रे जा थोरे माता रो दुमालो ये देखे ने जिदड़ो हो रो रे ते देखे ने जिदड़ो हो रो केसरिया सदोनियो नवल बसेरी रे जा थारे माता रागज मोती रे जा थोरे कोनो रागज मोती अरे रे जा थारे कोनो रागज मोती रे जा थोरे कोनो रागज मोती एमे तो आड़िए गुंगती ज्योति हो के सरिया ढोनी वो नवल मैं तो आडोरे घूंगटी ज्योतियो केसरिया सडोनियो नवल बसेरी चमरी में सहेलिया गावे अरे पेलो फेरो पिरियो नेतल बाबू सारी लागली पेलो फेरो फरियो नेतल बाबू सारी लागली अरे पेलो फेरो पेलो फेरो बाबू सारी लाडली पेलो फेरो फरियो नेतल बाबू सारी लाडली अरे दूजो फेरो माता जी री दीदरी दूजो फेरो माता जी री दीदरी अरे तीजो फेरो काका री भतीजी
फेरो चीजो फेरो काकारी भती। अरे चौथे तेरे नेतल बाई हो यारे परारा, चौथे फेरे नेतल बाई हो गया रे पराया। चमरी में उतरने रे बाद में ब्राह्मण देवता भाई ने बुलावे, फिर पिता को, फिर माँ को, काका बाबा मामा सबको धीरे धीरे बुलाते। अरे सेवरियों दान बैरा फिरो सा तो तेरे, आई रे धरम री देरा मोरा। सेवरिया दान बैरा भाई जियो देवे, आई रे धरमियारी मेरा मोरा। अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो तेरे, आई रे धरम री देरा मोरा। अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो देवे, आई रे धरमियारी रेरा तोरा। अरे हाथा राहत फूल बैरा बाबी सा तो देवे, आई रे धरमरी हाथो राहत फूल बैरा बाबी सा तो देवे, आई रे धरमियारी तेरा पूरा। अरे सोना रो तंदोरो बैरा मामो सा तो देवे, आई रे धरमरी बेरा पूरा। ये सोना रो तंदोरो बैरा मामी सा तो देवे, आई रे धरमियारी तेरा तोरा। अरे सावारी बिछुड़िया बैरा मामी सा तो देवे, आई रे धरमरी बेरा तोरा। हाथों वाला गजरा बैरा मामी जी तो देवे, आई रे धरमियारी बेरा तोरा। अरे दोनी साबाई ने दाली जोरे मारी नेतल बाई सासरिये रोजा। ये दोनी बाबो जी भाई ने दाली सो मोरा नेतल बाईयो पाला जा। दोनी बाबो साबाई ने दाली जोरो मारी नेतल बाई पाला। अरे दोनी बाबो सा भाई ने दाई सो मोरा ने तल भाईयो पाला। अरे मोरियो ए माया तो बाबो सादी लाडक चाली सास रे बोरा आज मो। अरे मोरियो ए माया बाबो सारी लाडक बोली रे भाई तने भेगो लेण वास्ते आउला चिंता ना कर। अरे मोरियो ए माया तो माता जी दी भिवड़ी चाली सास रे बोरा ओ। अरे मोरियो ए माया तो माता जी दी भिवड़ी चाली सास रे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे। सोना रो बाजोटियो ने मोती रो सोजड़ियो। अरे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे। अरे सोना रो बाजोटियो ने
नाली के सामने। अरे अजमल जी सरी का तारा, अरे सापे नारी साया सो पट खेलो ला दे बाजोटे तेरा। अरे चंपे नारी छाया चौपट खेलो अरे बाजोटे बेटा बनाने हो गटे रमाओ। अरे भी गुड़ी गूटी खिलाऊ ओला डेलड़ा अन बाजोटे बेटा। अरे भी गुड़ी गूटी खिलाऊ ओला डेलड़ा अन बाजोटे बेरा। अरे मेणा दे सरी खा तारा माता बोला डेलड़ा अन बाजो के पुकार। अरे मेणा दे सरी का तोरा माता बोला डेलड़ा अन बाजो के बेरा। अरे सुगना भाई सरी खा तारा बेना बोला डेलड़ा अन बाजो के पुकार। अरे सुगनो भाई सरी का तोरा बेलो होला डेलड़ा तले बाजोटे बेरा। अरे बीरम दे सरी खा तारा बीरा होला डेलड़ा अन बाजोटे बेरा। बाजोटे बाजोटे धीरे धीरे सबे जो चक्र चलतो रहे हो। अजमाल जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सो बीरम देव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया। माता मैणा तेरो लाड माता मैणा तेरो स्नेह मिल रही हो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो। दर्जी बड़ो लालची हो। बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री करतूत रो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी हूं बड़ा दुखी है। कोई महंगो कपड़ो कोई भरी ले जा देवे तो वो भरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बना दे देवे। गांवरे लोगों की मजबूरी थी। और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान आज चटने करूं रे सवारी। माने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मन घोड़ लियो मंगवा।
श्री अजमल गर्भतार की, अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो, मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो, रूपो दर्जी चोरी कर दी, बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो, रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फंद छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़द ले आयो, झूठ बोलियो, कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो, बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई, और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे, माता मैणा दे रे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्याह री बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राजकार्य राजरे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता, दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अटी ने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडारे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, बोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सोडा घरे ने कनिया जन्मिए, हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विदाता। दल जी के दो पुत्र भये कन्या एक सुजा, अवतार सूजर लिखो विदाता। प्राणपति अर्जी सुनो, नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है, रामदेव जी बारे साथ में तो मारो बहु बहु रो रिश्तो है, बहु बहु रो संबंध है, और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो, और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन की बात। प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा, अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाए, सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी, बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारेल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया, जार माता मैणा देव जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सो आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो लेर आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे
मन में विचार क्यों कि घर आयोडे नाले रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं, और 1.25 लाख री मोहरा दे, और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा देव जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब कहड़ा खे, मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं, तो माता मैणा दे कह दियो कि वाप गांव रे बाहर पधारो, बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मैणा देव जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोगरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मैणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी, पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कई बात, तू उदास क्यों, थने किन बात री चिंता है। तो माता मैणा दे रे आंखों में आंसू आ गया, बोले बेटा हरे लाछा तो आई बेटा, तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आ, लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई, अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लाओ दियो, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मादी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा गुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो, खम्मा 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 रे